Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another video. Today's video is about dark pigmented lips. I'm going to share a quick remedy which helps you to get your pink lips in just 3 days. So without wasting much time, let's get started. Yeah guys, let's see कि अब इसके लिए remedy में क्या क्या चाहिए. इसमें basically दो steps होने वाले हैं. एक तो होगा lip mask, then उसके बाद होगा एक oil. दोनों steps में आपको step by step बताऊंगी कैसे और कब use करने हैं. लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें बताना चाहती हूँ. आपको क्या करना चाहिए, लिप्स ज़्यादा डार्क होते हैं सबसे मोस्टली. तो समटाइम ऐसा होता है कुछ मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे लिप्स डार्क हो जाते हैं. तो उसके ऊपर ज़रूर अटेंशन देनी चाहिए. अपने डाइट और वाटर इनटेक के ऊपर डेफिनेटली फोकस करो. और साथ में ज़्यादा अगर हम कैफीन टी और कॉफ़ी लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो उसकी वजह से भी लिप्स डार्क हो जाते हैं. देन उसके बाद इफ़ समबडी कोई स्मोक करता है या कुछ उन सब चीज़ों की वजह से, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए ताकि आपके लिप्स ज़्यादा डार्क और ना हो जितने हो चुके हैं. और जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो आपको यूज़ करनी है, बहुत क्विक एंड ईजी से मेथड होने वाले हैं. सो फटाफट से वो देख लेते. सो या गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए मैं बना रही हूँ लिप मास्क. इसमें दो स्टेप होंगे, वन इज़ लिप मास्क एंड सेकेंड इज़ ऑयलिंग. लिप मास्क के लिए यहाँ पे चाहिए पिंच ऑफ टर्मेरिक, देन 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ एलमंड ऑयल. और देन उसमें उतनी जितनी हमने टर्मेरिक लिए उतनी क्वांटिटी में हनी लेने वाली हूँ. इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह मिक्स करना है गाइज. प्लीज़ पैच टेस्ट कर लीजिएगा बिकॉज टर्मेरिक से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. सो पैच टेस्ट कीजिएगा. एंड सेकेंड, अगर स्किन सेंसिटिव है तो प्लीज़ प्लीज़ इस रेमेडी को ट्राई मत कीजिएगा बिकॉज सेंसिटिव स्किन के ऊपर टर्मेरिक सूट नहीं करती है. सो लिप मास्क रेडी हो चुका है. नाउ लेट्स सी इज प्रोसेसिंग. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अपने लिप्स को मैंने पहले नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लिया है. अब इस लिप मास्क को अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ और कुछ देर मसाज करूँगी. पहले इस जो भी हमने हमारा लिप मास्क रेडी किया है अच्छी तरह मसाज करनी है. और देन उसके बाद मैं इसे ऐसे मसाज करके देन इसकी थिक सी लेयर लगा के लिप्स के ऊपर छोड़ दूंगी अराउंड 15 मिनट के लिए. तब तक कुछ नहीं करूंगी. और आफ्टर 15 मिनट्स अपने लिप्स को फिर से नॉर्मल वाटर से क्लीन करूंगी. मैं इस रेमेडी को बेसिकली नाइट टाइम ट्राई करती हूँ बिकॉज देन उस टाइम उसके बाद क्या है कि कुछ काम नहीं करना होता, कुछ खाना पीना नहीं होता है. सो नाइट टाइम ट्राई करती हूँ. यहाँ पर मैंने लिप्स को वॉश कर लिया है और अब जो सेकेंड स्टेप है वो है ऑयलिंग. उसके लिए मैं ले रही हूँ फिर से एलमंड ऑयल और अपने लिप्स को एलमंड ऑयल से अच्छी तरह मसाज करती हूँ और ऐसे ही सो जाती हूँ. देन अगले दिन सुबह के अपने लिप्स को फिर से जो हम फेस क्लीनिंग करते हैं तब लिप्स को वॉश कर लेती हूँ. आपको इस रेमेडी को वीक में 3 बार ट्राई करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स. जस्ट वेरी क्विक इजी रेमेडी जिसे आपको फॉलो करना है बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ. डू लेट मी नो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. तो यू नो वेरी वेल आप लोगों को क्या करना है. आई विल मीट यू वेरी सून गाइस. बाय, टेक केयर.